नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका और अभी हम सेक्टर 9 के नवनाथ मंदिर में मौजूद है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और मैं आपको बताऊँ कि आज महाशिवरात्रि है और फिर से एक बार आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवनाथ मंदिर आखिर इसका नाम क्यों पड़ा ये हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करा देती हूँ। से महाशिवरात्रि मनाते हैं? शिवरात्रि बेसिकली शिव जी की शादी होती है पार्वती संग, इसलिए हम लोग मनाते हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह सबसे पहले फास्टिंग करते हैं, नहा वहा के सबको पूजा करते हैं और फास्टिंग करते हैं। हम लोग जैसे फलहारी रखते हैं, लड़कियाँ फलहारी रखती हैं, कोई फलहारी नहीं भी रखती हैं, उनका अपना अपना है। सबको इस तौर तरीके से धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। कहा जाता है कि अच्छे वर के लिए लड़कियाँ रखती हैं, ये चीज़ कहा जाता है कि सबको शिव जी। आप भी अच्छा वर, जाहिर सी बात है सब खोजते ही हैं, तो सब कोई चाहते हैं कि शिव जी ऐसे भोले से पति सबको मिले, सबकी सब लड़कियां यही चाहती हैं, तो इसलिए भी रखा जाता है कि शिव जी जैसे भोले से पति मिले सबको। हर 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 महादेव। जैसे हम लोग बनाते हैं बहुत, मतलब शिव का आराधना इसलिए करते हैं कि शिव जैसा पति जो है रहे, एकदम भोले भाले रहें और प्यार करें और घर में सुख शांति का वातावरण रहे। शादी हो चुकी है, शिव जी ने कृपा की थी तो शिव जी मांगे थे, शिव जी मिले भी, मिले तो उनके मतलब ये है कि मन में ऐसा रहता है कि जैसे मांगे थे वैसे मिले, तो एक तरह से उनको धन्यवाद हम लोग देते हैं, शिव जी को पूजा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने सही में बहुत अच्छा आपके द्वारा हम पति मिले और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, तो बहुत उनकी मतलब उनका जो है नमन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मिल तो गए ही है लेकिन अच्छे मिले हैं, तो इसलिए नमन करते हैं कि उनको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार जोहार, महाशिवरात्रि महाअनुष्ठान का डी फोकस परिवार की तरफ से आनंद आनंद शुभकामनाएं। और इस समय आप जो देख रहे हैं महाशिवरात्रि के विहंगम जो साधक श्रद्धालु हैं वो भगवान भोलेनाथ और माता महापार्वती की शरण में पहुंचे हुए। महाशिवरात्रि महाअनुष्ठान का आज जो निर्जला व्रत है उसके तहत ये जरुआटाड़ का बूढ़ा बाबा मंदिर है, जहाँ आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला लगा हुआ है। यहाँ पर पूजन सामग्री तो आपको मिलेगी ही, तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ मौजूद है। और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि महाशिवरात्रि के महा अवसर पर इस तरह का जो नज़ारा है वो मंदिर प्रांगण में देखने को मिलेगा। और इस पूरे प्रांगण को इस तरह जिस तरीके से सजाने के लिए तैयारी करते हैं, और आज जब महाशिवरात्रि आता है तो आपको यहाँ पर इस तरह का दर्शन आपको मिलेगा। इस समय हमारे साथ इस क्षेत्र के युवा जुड़े हुए, आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जरुआटाड़ बाबा बूढ़ा बाबा का जो मंदिर है कितने बरस से इन लोग यहाँ आते हैं, नौजवान उन्होंने अब इसका जिम्मा संभाला है, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिथिलेश तिवारी है, ग्यारह का रहने वाला। मंदिर काफ़ी कम है, 100 साल पुराना है। यहाँ कोई राजा थे, राजा थे तो बाबा ने राजा जी को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ प्रकट होने वाला हूँ पाताल को। राजा क्या कहे, तुरंत हम लोग को ब्राह्मण बुलाए गए और यहाँ से बाबा जी का ही हुआ। उसके बाद एक गाँवर यहाँ से गुजर रहा था, देखी नहीं बनाते हैं, तो सोचा कि मैं इससे ही बनाऊँगा, नहीं रहा। जैसे ही बाबा को वहाँ हमर मारा पूरा दूध निकल रहा आगे में फैलाते हैं, जो उसको दूधी बढ़िया का नाम से पति लेते हैं। बाबा का ही महिमा है और बाबा के यहाँ जो भी कुछ मन करो जो मांगते हैं हमेशा उनका पूरा होता है। हमारी काफ़ी मेला है, हमारे वृंदावन दादू जो थे पूर्व सरपंच थे, अभी नहीं है, उनका ये हो गया, निदान हो गया, का और मेरा दादाजी सब मिल के दो काफ़ी हम लोग का लग रहा है 17 साल मेला स्टार्टिंग हो गया, तभी से बाबा का महिमा। 7 दिन का पूजा होता है, मेला लगता है, अभी 7 दिन का मेला हुआ है कोरोना काल के लिए। शादी हो गई जी? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है। क्या मांगा आज अपने बाबा से? बाबा से मांगे हैं कि झारखंड में सबको, पूरा भारत में कोरोना मुक्त भारत हो, सभी को बुद्धि दे, सबुद्धि दे, धन दौलत भगवान का हर मनोकामना पूरा करे। जो भी बाबा के यहाँ युवा कहीं से जुड़ते हैं जानते हैं, बूढ़ा बाबा के मंदिर में अक्सर कहा जाता है कि आपकी उम्र के लोग अभी मोबाइल में खोए रहते हैं, तरह तरह के जो आनंद की चीज़ें उसमें डूबे रहते हैं, लेकिन आप युवा लोग बाबा की शरण में आते हैं, इस तरह की तैयारी करते हैं, लोगों को दर्शन कराते हैं। कहा जाता है ये जो आपका उम्र है ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि बाबा की सेवा करनी चाहिए? देखिए, प्रेरणा तो हमारे जिस तरह से आपको जिस अवस्था से आपको जानते हैं, उसी अवस्था पर आपको देखते हैं, तो
हमारे व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं और वही विश्वास आज से नहीं पूर्वजों से चला आ रहा है और ये हमारा जो मंदिर जलवाटर जुड़ा हुआ का मंदिर है ये पूर्वजों से और इसी का आस्था से लेके हम हमारे पूर्वज और हम जैसे अभी के नौजवान आस्था को मानते हैं और आस्था को लेके चलते हैं जो हमारे पूर्वजों ने लेके चला। ये देखिए पूर्वजों ने इनको ये सब कुछ सिखाया है। कहा जाता है कि शिष्टाचार माता पिता के आशीर्वाद से आता है, दादा दादी के आशीर्वाद से आता है। और ये जो युवा हैं आपको देखे होंगे कि किस तरह भभूत लगाए हुए हैं माथा में और बाबा की शरण में आए हैं। हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। क्या मांगा आपने? जैसे प्रांगण में भीड़ हो रहा है, श्रद्धालु आते रहे, बस यही मनोकामना मांगे सबको। इस समय तो आप अक्सर हम लोग देखते हैं कि आज का जो यूथ है गेम खेलता है, मोबाइल में टीवी में लगा हुआ रहता है, या बाइक का शौकीन होता है तो या घूमने फिरने का शौकीन होता है। आप लोग बाबा के बाबा की शरण में ये पूरा गांव और यहाँ का दर्जनों गाँव है। एक जो आपका क्या नाम है? तिवारी जी, बाबा की शरण में आना कहा जाता है कि ये बहुत भाग्य होता है, परम कृपा होती है, तभी बाबा की शरण में आते हैं। आज महाशिवरात्रि है, क्या मांगा आपने इस पूरे गांव के लिए, अपने परिवार के लिए? आने वाला समय बूढ़ा बाबा मंदिर में आए हैं बाबा, क्या मांगा? वीडियो बनाते फोटो खींचे ना, काफ़ी है बाबा के शरण में आए तो बाबा मिल गए तो सब मिल जाएगा। और कहाँ से आए हैं? नारायणपुर भांगा बाजार से आए, दूर दराज से लोग। मैंने बार बार कहा कि बाबा में इतनी आस्था है कि प्रत्येक साल आते हैं वहाँ। आसपास के गांव वाले लोग भी थे। अच्छा, कहा जाता है कि जो यूथ होती है हमारी इसको आस्था या जो कहा जाता है हम लोग ध्यान में कम होती होती है, लेकिन आप जैसे युवा जब बाबा की शरण में आता है तो कहा जाता है तो शांति सुकून मिलता है। यही है, बड़ा शांति मिलता है, सुकून मिलता है, अपनी आस्था से मनोकामना जो भी अपना अंतर ध्यान से मांगते हैं मिलता है। ये देखिए एक और यूथ है, बच्चों के साथ आए, क्या मांगा? बाबा कृपा हम पर बनी रहे, यही आस्था है। और क्या, कहाँ से आए हैं आप? नारायणपुर भांगा बाजार। नारायणपुर भांगा बाजार से यूथ है, वहाँ से इन लोग सब मिल के इस पूजा को संपादित करते हैं और बरसों बरस इसी तरह गांव के लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं। ये भी देखिए परिवार के साथ आए हुए हैं। कहा जाता है कि जब बच्चे की बात होती है, देश की बात होती है, गांव की बात होती है तो लोग सब कुछ भूलकर पहले उसको प्राथमिकता देते हैं। तो आज जो आप यहाँ देख रहे हैं बरसों बरस का इसी तरह का नज़ारा है, आप कब से पूजा करने आए? हम लोग बहुत दिन जब से जन्म लिए तब से मेरे माता पिता जी पूर्वजों से, पूर्वज इसी तरह आपके माता पिता आपको गोद में लेके आते थे, अब आप अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो देखिए ये कितना अनुभव है और कितना सुंदर दृश्य है कि जो हमारा कहा जाता है परिवार दर परिवार इसी तरह बूढ़ा बाबा के शरण में यहाँ लोग आते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसी तरह यहाँ पर मेला लगा हुआ है, पूजन सामग्री आपको मिलेगी, सभी कुछ यहाँ मिलेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बूढ़ा बाबा के पास आइए और ये सब कुछ आप लेके जाइए। क्या बेच रहे हैं आप? क्या बेच रहे हैं? पूजन सामग्री कहाँ से आए हैं? बाबा के शरण में आए हैं, बिक्री ठीक है? तीन तक चल रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है मार्केट में। अगले साल से कम भीड़ है, अगले साल से कम भीड़ है। बाबा के शरण में आए होंगे इधर सब कुछ पूरा। क्या क्या चीज़ है आपके पास? नारियल है, अगरबत्ती है, फूल है, बाबा की महिमा बहुत अच्छा है। एक और है दुकानदार, इनसे जुड़ते हैं। ये देखिए ये अलग अलग चीज़ें यहाँ बेच रहे हैं, घी रखे हैं और ये अलग अलग प्रसाद भी रखे हैं, पंचमेवा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भूषण भूषण। कहाँ से आए हैं भूषण? भांगा बाजार से। भांगा बाजार से बाबा की शरण में आए हैं, आप यहाँ दुकान लगाए हैं, बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है।
कहा जाता है कि बूढ़ा बाबा मंदिर के यहाँ पर इसके शरण में जो भी आता है उसका शरण में उसका मनोकामना सब पूरा करता है, पूरा होता है, पूरा होता है। ये देखिए आप जो दुकान लगाने वाले हैं इनके भी अशेष श्रद्धा है बूढ़ा बाबा पर, और कहा जाता है कि इस मंदिर के शरण में बूढ़ा बाबा और माता पार्वती के शरण में जो भी आता है उनकी समस्त मनोकामना यहाँ पूरी होती है। महाशिवरात्रि का महा अवसर है और इस अवसर पर आप यहाँ पर देखिए कि इसी तरह दिन भर और देर रात तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। और आज शाम को बाबा के शादी अनुष्ठान का भी आयोजन है जिसमें धूमधाम से बाबा की बारात निकलेगी और महाशिवरात्रि के अवसर पर बूढ़ा बाबा और माता महापार्वती के विवाह उत्सव का भी यहाँ आयोजन होगा।